और बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से जहां पर प्लाईवुड व्यापारी के अपहरण का खुलासा हुआ है। बदमाशों ने अपहरण के बाद फिरौती मांगी थी, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर बदमाश के कब्जे से फिरौती के 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सभी बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। व्यापारी के अपहरण का खुलासा, बदमाशों ने अपहरण के बाद फिरौती मांगी थी। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, 5 लाख रुपए भी बदमाशों के कब्जे से बरामद हुए हैं। सभी बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, प्लाईवुड व्यापारी के अपहरण का खुलासा हुआ है। बदमाशों ने अपहरण के बाद फिरौती मांगी थी। संवाददाता सुभाष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुभाष, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसमें 3 अन्य आरोपी जो हैं इस पूरे मामले में वो नामजद किए जा चुके हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के नेतृत्व में जिला पुलिस की जो विशेष टीम है और गंगरार थाना पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। और फिल्मी अंदाज में यह अपहरण किया गया था और उसके बाद फिरौती भी हाथों हाथ वसूल कर ली गई थी। और बाद में पुलिस को सूचना मिली जिस पर व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है। और ये जिले की बड़ी कार्रवाई है जो पुलिस ने अंजाम दिया है इस कार्रवाई को। और लगातार जो पुलिस है दीपक भार्गव के नेतृत्व में अच्छी कार्रवाई कर और अपराधों पर रोकथाम लगाने का काम कर रही है। कैसे इन बदमाशों तक पुलिस पहुंची? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल लोकेशन की जो ट्रेस था उसके आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय मोबाइलों की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद कुछ लोग जो है जिनकी मुखबिर तंत्र के जरिए सूचना मिली थी कि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है, जिनका पुलिस ने साक्ष्य जुटाया कि इनके गुप्त तरीके से इनकी जांच पड़ताल